तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यात्रा के दौरान लोगों के बीच जो ड्रोन है वो बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज के इस खास एपिसोड में चर्चा ड्रोन दीदी योजना की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग इलाकों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। इस यात्रा में सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी तो दी ही जा रही है, साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। यहां ड्रोन उड़ाकर लोगों को इसके उपयोग के बारे में और इससे होने वाले फायदे की जानकारी भी दी जा रही है। छिंदवाड़ा की एक ऐसे ही ड्रोन दीदी है विभा चंद्रहास सूर्यवंशी। इन्होंने ग्रामीणों के सामने ड्रोन उड़ाने का प्रदर्शन किया और इसके लाभ भी बताए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के महसादंड गांव में है और यहां पर ड्रोन दीदी जो है विभा सूर्यवंशी जो कि ड्रोन इस समय ऑपरेट कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय खेतों में किस तरीके से छिड़काव किया जाएगा, किस तरीके से जो तमाम जो नैनो यूरिया है उनका छिड़काव किस तरीके से किया जाएगा उसका यहाँ पर वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं। और विभा सूर्यवंशी जो हैं उन्होंने MIT ग्वालियर से ड्रोन ऑपरेटिंग का पूरा एक उनको कोर्स कराया गया है और वो ऑपरेट इसको बखूबी कर रही हैं। और इस तरीके से गांव-गांव में कोशिश की जा रही है कि विभा जैसी जो महिलाएं हैं वो ड्रोन से जुड़कर, ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़कर उसका प्रशिक्षण लेकर अब गांव में ही मजबूत बने, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और ड्रोन जो कि भविष्य में तमाम चीज़ों में उपयोग होने वाला है, खेती के साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं उसमें उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसमें वो महारत हासिल करें और विभा जैसी महिलाएँ जो हैं वो आगे बढ़कर देश को मजबूत बनाए। मैं ड्रोन दीदी, मेरा नाम श्रीमती विभा चंद्रहास सूर्यवंशी, मेरा IFFCO फ्रेंचाइजी सेंटर है IFFDC अमरवाड़ा। मैं उसी के थ्रू ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग से जुड़ी हुई हूँ और मैंने ग्वालियर से जाकर इसकी ट्रेनिंग ली है। विभा जी के पति जो है चंद्रहास सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं, आपकी पत्नी जो है ड्रोन उड़ाना सीख गई हैं, क्या आपका रिएक्शन है, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस तरीके से? मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, और शुरू से ही मैंने जो है जब मेरे को पता चला कि IFFCO फ्रेंचाइजी के लिए टेक्निकल आवश्यकता है तो इन्होंने केमिस्ट्री से MSc किया है तो सबसे पहले तो मैंने IFFDC के इनको फ्रेंचाइजी दिलाया और उसी के माध्यम से आज इनको ड्रोन ट्रेनिंग का अवसर मिला तो मैंने इनको कहा कि आप बिल्कुल ड्रोन ट्रेनिंग करके आना चाहिए और नई जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अडाप्ट करेंगे तब जाके ही कृषि के क्षेत्र में लोगों को सुविधाएँ बढ़ेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि नैनो यूरिया और नैनो DAP का जो है स्प्रे किसान के लिए एक बहुत चैलेंज है क्योंकि स्प्रे के लिए किसान को समय ज़्यादा देना पड़ता है या मौसम जलवायु कारण वो शीघ्रता से उसका स्प्रे नहीं कर पाता, लेकिन ड्रोन से वो बहुत आसान है। एक एकड़ में स्प्रे के लिए मात्र 8 मिनट लगता है और ड्रोन के माध्यम से जो स्प्रे होता है वो प्रॉपर हर पौधों में होता है। पार्थ हमारे साथ हैं जो कि पुत्र हैं विभा जी के। पार्थ, आपकी मम्मी ड्रोन उड़ा रही हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सप्रेशंस क्या है, क्या आपकी फीलिंग्स हैं और मम्मी को इस तरीके से ड्रोन उड़ाते हुए देखना आपको कितना अचंभित कर रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मम्मी ड्रोन उड़ा रही है, मतलब ये तो बहुत अच्छा है कि फसल के लिए भी ड्रोन मतलब बहुत उपयोगी है और जो नैनो DAP और नैनो यूरिया जो है उसका जो छिड़काव है वो फसलों में प्रॉपर जाएगा इससे, तो ये बहुत ही यूज़फुल है किसानों के लिए भी। और ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तो ये हमारे देश और मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो जो विभा जी हैं उनका परिवार भी जो है काफ़ी खुश है क्योंकि वो अब जो ड्रोन दीदी बन चुकी हैं और ड्रोन को बखूबी वो उड़ा रही हैं और परिवार की ख्वाहिश से उम्मीद है कि इसी तरीके से जो जिस तरह वो मजबूत बनी है, सशक्त बनी है और तकनीकी रूप से वो ड्रोन उड़ाने के लिए सक्षम बनी है, वैसे और भी महिलाएं जो हैं वो सामने आएँ और ड्रोन दीदी बनकर जो है अपने आप को मजबूत करें, सशक्त करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। अजीत द्विवेदी, DD News, छिंदवाड़ा।
तो देश भर में खेती किसानी के काम को और कितना आसान बनाया जा सकता है, और केंद्र सरकार की ओर से ड्रोन दीदी योजना इसी मकसद से शुरू की गई है। रांची में इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों को ट्रेनिंग देकर इससे अवगत कराया जा रहा है। इसी दौरान किसानों ने भी ड्रोन की जो उपयोगिता है उसको जाना, समझा और ऐसे प्रयोग इसे भविष्य में प्रयोग में लाने का संकल्प भी लिया। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना कारगर साबित होती दिख रही है। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता को रांची की महिला किसान भी जानने और समझने लगी है। जिले के और मांझी प्रखंड की महिला किसान ममता देवी बताती हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से कम समय और कम मानव संसाधन का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक खेतों में उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। पीठ में लात के दवा देते हैं तो दूसरे आदमी पर निर्भर रहते हैं कि ताकि वो आए तो दवा दे, और ड्रोन रहेगा तो अपने से ही डाल के बैटरी द्वारा हम लोग ड्रोन से दवा दे सकते हैं लेडीज भी। ड्रोन दीदी योजना ने कहीं ना कहीं महिला किसानों के आत्मविश्वास को और अधिक बल दिया है। इलाके की दुलारी देवी और कुंती देवी जैसी किसानों का कहना है कि महिला किसानों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। ड्रोन के उपयोग से वह अब और अधिक बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी कर सकती हैं। दवा छिड़काते हैं तो कम मतलब ज्यादा टाइम लगता है, अब ड्रोन कैमरा से कराएंगे छिड़काव करेंगे तो कम समय लगेगा। अब हम लोग का कहते हैं ड्रोन देखे तो हम लोग को खुश लग गया, हम उसी से हम लोग देंगे। ड्रोन दीदी योजना से होने वाले फायदे को देखकर और जानकर किसान प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खेती बाड़ी में पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रही महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की यह एक अनूठी पहल है। अभी चला, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, इसमें समय का भी बचत होता है और महिला लोग को सुविधा भी होगा, जल्दी करेंगे और क्या बोले आत्मविश्वास भी बढ़ेगा वो लोग को। दवाई का भी बचत है, समय का बचत है, ये बहुत अच्छा है स्कीम निकाले हैं ड्रोन दीदी योजना। इसके बारे में यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को मानदेय के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन भी उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो सकेंगी। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो खेती के कार्य में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिए उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। रांची में इस योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है और उन्हें लगता है कि ड्रोन पायलट बनकर वो आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकती है। ड्रोन पर हाथ आजमाती ये महिलाएं कल तक चार दीवारी से बाहर निकलने में भी हिचकिचाती थी, लेकिन आज वो ड्रोन पायलट की भूमिका में है और ये सब संभव हो रहा है केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से। ड्रोन पायलट रश्मि कुमारी कहती हैं कि कीटनाशक और दवा के छिड़काव में पहले महिलाएं पुरुषों पर निर्भर थी, लेकिन ड्रोन तकनीक आ जाने से अब वो पल भर में कई एकड़ जमीन में लगे फसल पर छिड़काव कर सकती हैं। महिलाओं को लग रहा है कि हाँ हम सक्षम हैं खेती बाड़ी को अपने बल पे करने के लिए। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था कि कटाई छटाई बुआई इसमें महिलाएं होती थी, जहाँ पे भारी भरकम चीज़ों का सामान उठाना करना ले जाना ले आना, तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। ड्रोन पायलट रश्मि कुमारी की माने तो महिलाओं के लिए ड्रोन का प्रशिक्षण और इस्तेमाल करना बेहद आसान काम है। ड्रोन दीदी योजना के तहत मात्र 15 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर महिलाएं ड्रोन पायलट बन सकती हैं। ऐसा करके महिलाएं खेती किसानी को एक नया आयाम देते हुए एक उद्यमी के रूप में भी काम कर सकती हैं। ड्रोन पायलट बनना चाहती हैं जो भी, तो उनको RPTO से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जहां उनको सर्टिफिकेट लाइसेंस सब कुछ मिलता है। उसके बाद वो एलिजिबल है कि अपना ड्रोन भी ले सकती है, अपना बिजनेस भी कर सकती हैं, उद्यमी बन सकती हैं, अपने खेत के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और उड़ा सकती हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना का क्रांतिकारी असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। योजना का लाभ उठाकर महिलाएं इस क्षेत्र में स्वरोजगार को भी चुन रही हैं। रांची के ओरमांझी में दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही मधु कुमारी बताती हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें थोड़ी बहुत झिझक हो रही थी, लेकिन अब ड्रोन चलाना उन्हें बेहद आसान लगता है। पहले थोड़ा लगता है कि ड्रोन हैवी है, कैसे कर पाएंगे ये, बट इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब महिला घर चला सकती है तो ड्रोन भी चला लेगी।
केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी योजना को एक लक्ष्य के तहत शुरू किया है, जिसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनकी एक फौज तैयार की जा रही है, जो ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी के काम को और आसान बनाएगी। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण को फोकस में रखकर चलाई गई इस योजना से समय और मेहनत की बचत कर महिलाएं अपनी आय को कई गुना तक बढ़ा सकती हैं। रांची से करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। उधर यूपी के अलीगढ़ में नमो ड्रोन दीदी योजना गांव की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना में चयनित महिलाएं बहुत खुश हैं। आइए सुनते हैं इन महिलाओं का और क्या कहना है इस योजना के बारे में। मैं इस समूह में जब से जुड़ी हूँ तब से लेके आज तक जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं बहुत ही उनसे लाभ हुआ है। और अब जो योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना, उसमें मैं लाभार्थी के रूप में चयनित हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे खेतों में पहले जो स्प्रे दवाई की होती थी, यूरिया की होती थी, वो हाथों से करनी पड़ती थी। उससे शरीर को भी नुकसान होता था और पौधों को भी, ज़मीन पर गिरती थी तो नुकसान होता था। लेकिन इस योजना के माध्यम से हमें ड्रोन दिया जाएगा जिससे स्प्रे होगी खेतों में, और उस ड्रोन के माध्यम से जब स्प्रे होगी तो एक तो समय की भी बचत होगी और हम इस योजना के माध्यम से इस ड्रोन का फायदा हमारी और दीदियां भी ले सकेंगी, समूह की महिलाएं। हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो समूह की दीदियों को इतना जागरूक कर रहे हैं। और पहले हम हाथ से खाद बीज लगाते थे, अब नमो ड्रोन दीदी की तरफ से हमें बचत की भी, वो समय की बचत होगी और बाकी हमारा जो काम है वो फसल का जल्दी भी होगा। और मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम समूह की दीदियों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं दिया। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ड्रोन दीदी योजना के बारे में आपको देंगे और भी जानकारी, और हमारे साथ होंगे हमारे संवाददाता। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत, गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। भाई तो मान ही नहीं रही हूँ। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अजीत की लोकेशन क्या? बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय का ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको दूसरे के घर का बात सुनते हो? बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है, तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खेती किसानी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, साथ ही उनका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। खेती किसानी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े इसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से कई योजनाएं लॉन्च कर रही है। केंद्र सरकार ने खेतीहर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर में ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत सरकार ने 1,261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन मुहैया कराने का फैसला किया है। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना सहायक सिद्ध हो रही है। इसलिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत अगले 3 साल में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को
ड्रोन उपकरण दिए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों की जो बहनें हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। गांव में जैसे ट्रैक्टर से खेती का काम होता है, वैसे दवाई छिड़कने का काम, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम, फसल को देखने का काम, पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो देखने का काम, अब ये सारे काम ड्रोन कर सकता है। गांव में रहने वाली हमारी बहनों और बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों और बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी, जिसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि नमो दीदी देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो जोड़ेंगी ही, उन्हें कमाई का अतिरिक्त साधन भी मिलेगा और उसके कारण खेती में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारी खेती वैज्ञानिक, आधुनिक और टेक्नोलॉजी वाली होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये योजना पीएम मोदी की लखपति दीदी पहल के हिस्से के रूप में अहम है, जो ड्रोन सेवा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगी। देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह का हिस्सा है। इन ड्रोन दीदी के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, वह आत्मनिर्भर बनेंगी, रोजगार सृजन से उनकी आजीविका बेहतर होगी। इसके साथ ही खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने से खेती भी उन्नत होगी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों की क्षमता बढ़ाने और आजीविका बेहतर करने के लिए ड्रोन दीदी कार्यक्रम की कल्पना बेहद शानदार है। तो आपने देखा ड्रोन दीदी योजना कितनी कारगर है। हमने आपको स्टोरीज भी दिखाई, हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई कि किस तरह से रांची में ड्रोन दीदी लोगों को सिखा रही हैं, प्रयोग हमने वहाँ पर देखे किस तरह से नए नए प्रयोग हो रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। वहीं हमने छिंदवाड़ा से भी देखी स्टोरी की किस तरह से ड्रोन दीदियों ने वहाँ पर खेती किसानी में परिवर्तन लाने की पहल की है। और ये ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं रांची और भोपाल, जहाँ से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रांची से हमारे साथ मौजूद हैं दिवाकर और भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत द्विवेदी। मेरा पहला सवाल दिवाकर आपसे है। दिवाकर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और हमने देखा कि बहुत उत्साह नज़र आ रहा है झारखंड में महिलाओं के बीच ड्रोन दीदी के नाम से, जो प्रसिद्ध हो गई हैं गांव-गांव में और वो जिस तरह से ड्रोन उड़ा रही हैं, जिस तरह से खेती किसानी में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी बड़ी पहल है? देखिए प्रखर, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की एक अनूठी पहल है और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की जो देश में क्रांति और जो बदलाव दिख रहा है उसमें ये ड्रोन दीदी अभियान जो है, जो योजना है, इसका एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन और चेंज मेकर की भूमिका हम कह सकते हैं। जो किसान आज के समय में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, किस तरीके से खेती बाड़ी के काम को और एक नया आयाम दिया जा सकता है, कम समय में बेहतरीन तरीके से खेती की जा सकती है और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उसमें ये महिला को जो बढ़ावा देने के लिए ड्रोन दीदी अभियान की शुरुआत की गई है, उसमें निश्चित तौर पर एक बड़ा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। प्रखर, जब हम लगातार जब महिला किसानों से बात करते हैं और जो झारखंड के जो ट्राइबल्स इलाके हैं उसमें लगातार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ जब जगह पर पहुंच रही थी, तो वहां पर जब ये ड्रोन बताया जा रहा था तो एक नया जो हम कह सकते हैं लोगों में एक उत्साह जगा कि आखिर वो ड्रोन दीदी क्यों नहीं बन सकती। आप प्रकार देख रहे थे हमारी रिपोर्ट में कि किस तरह के महिलाएं कह रही थी कि अगर हम घर चला सकते हैं तो ड्रोन क्यों नहीं चला सकते, और ये ऐसी महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी रही महिलाएं हैं, जो आठवीं पास महिलाएं हैं, और कई महिलाएं तो मुझे ऐसी मिली जो लिख भी नहीं सकती हैं और वो पास नहीं हुई है किसी भी क्लास में, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है स्कूलों में जाकर, वैसी महिलाएं कह रही हैं कि वो ड्रोन चला सकती है और ड्रोन दीदी बन सकती है। तो एक गजब का उत्साह और प्रधानमंत्री के प्रति जो है कह सकते हैं महिलाओं का जो एक पैशन है वो भी देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री उनके लिए अगर इतना सोच सकते हैं तो विकसित भारत के निर्माण में वो अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा सकती, तो इस तरीके से महिलाएं अब सोचने लगी है और उसको लेकर महिलाएं आगे आ रही है, तो निश्चित तौर पर एक फलाफल। और आप देख सकते हैं किस तरह से चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी इलाके हो, दूर दराज के इलाके हो, वहां पर गजब का उत्साह इस महिला ड्रोन दीदी को लेकर है और लगातार लोग प्रशिक्षण के लिए लंबी हालांकि अभी इसके लिए जो हम कह सकते हैं कि आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, योजना शुरू हो गई है, लेकिन लगातार उत्साह और महिलाएं लगातार ये पूछ भी रही कि कैसे वो आवेदन करके जो ये ड्रोन दीदी है इसका फायदा ले सकती है और वो ड्रोन पायलट बन सकती है। प्रखर, ठीक है, अब हम भोपाल चलते हैं। जैसा कि विभाकर ने रांची से बताया अजीत कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है खेती किसानी में, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और हमने आपकी स्टोरी जो छिंदवाड़ा से देखी थी जो रिपोर्ट, उसमें विवाह नाम की महिला का आपने जिक्र किया था, उनसे बातचीत की थी, उनके पूरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, और जब भी आप बाकी और ड्रोन दीदियों से मिली तो उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि प्रति माह 15,000 रुपये की मासिक आमदनी उनकी हो रही है।
बिल्कुल, देखिए जब हम ग्राउंड पे गए और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में गए तो वहां पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जो भी स्वसहायता समूह की महिलाएं जो है अमूमन दूसरे काम जो है वो करती है, जो परंपरागत काम है वो करती है, लेकिन ड्रोन जो कि हाई मॉडर्न टेक्निक का जो एक उपकरण है उसको उड़ाना और उसमें दक्षता हासिल करना, ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है महिलाओं के लिए और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि गांवों में जिस तरीके से महिलाएं सशक्त हो रही है लगातार स्वसहायता समूह के माध्यम से, दूसरी योजनाओं के माध्यम से, तो जब विभा जब वहां पर ड्रोन उड़ा रही थी तो बड़ी संख्या में महिलाएं उनको कौतूहल से देख रही थी और वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रही थी कि हम भी ड्रोन दीदी बनना चाहेंगे, हम भी इसमें दक्षता हासिल करना चाहेंगे। और ये बड़ी बात है, देखिए अभी तक हम मानते हैं कि जो हाई मॉडर्न टेक्निक होती है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये जाता है कि पुरुषों का वर्चस्व होता है, लेकिन जब गांव के क्षेत्र में और सुदूर गांव में जब कोई महिला जब ड्रोन उड़ाती है और ड्रोन के माध्यम से वो बताती है किस तरीके से जो खेती किसानी को आसान बनाया जा सकता है, किस तरीके से फसलों में जो दवाएं हैं उनका छिड़काव किया जा सकता है, किस तरीके से फसलों पर नजर रखी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि महिलाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अब मुखरता के साथ और एक सशक्तिकरण का जो अनुभव उदाहरण देखने को मिल रहा है वहां पर, जब विभाग बहुत महत्वपूर्ण बात कही अजीत, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और वो इस चीज को लेकर बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ना केवल महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है बल्कि साथ ही साथ उन्नत तकनीक का भी जो है खेती किसानी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम देखा जा सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद चलेंगे जयपुर और देखेंगे कि वहां किसानों को ड्रोन दीदी के बारे में, ड्रोन दीदी किसानों को किस तरह से जानकारियां दे रही हैं। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है, कंपनी और रिस्क पूरे पूरा समझने का फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है, रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी, एनपीएस जरूरी है। उधर जयपुर जिले के मनोहरपुरा ग्राम पंचायत में किसानों को ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया छिड़काव का प्रशिक्षण दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के प्रयास में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इस कड़ी में जयपुर के मनोहरपुरा ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। आयोजित शिविर में केंद्र सरकार की 17 योजनाओं को लेकर लोगों को जानकारी दी गई, साथ ही इस कार्यक्रम में किसानों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया। किसानों ने ड्रोन को खेती में मददगार बताया और कहा कि इससे समय और श्रम की बचत होगी और खेत में कोने कोने तक कीटनाशक का छिड़काव भी हो सकेगा। 17 योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और 11 विभागों के द्वारा संचालित है, उनका लोगों को यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है और साथ में उनके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि उनका लाभ ले सके। ड्रोन का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि पूरे जिले में रोटेशन के हिसाब से होता है, तो आज यहाँ पे वो कार्यक्रम रखा गया है, अभी डेमोंस्ट्रेशन कर भी दिया गया है। और इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड है, वो मुख्य योजना है कृषि विभाग की, जो इसका जो भी किसान है वो इसका लाभ ले सकते हैं। कृषकों को हम यही सलाह दे रहे हैं, जो पिछले दिनों में ये होता था, गत वर्षों में या कोई इस तरह की कोई तकनीकी नहीं थी, अब इस तकनीक के आने के बाद में जैसे बड़ी फसलें हैं, सरसों हैं, बाजरा है, इनमें फार्मर्स इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नैनो यूरिया इस करने में असमर्थ होता था, लेकिन अब आसानी से इसका स्प्रे कर सकता है फार्मर्स। गवर्नमेंट की तरफ से इस पे लघु सीमांत और महिला कृषक को 50% है और ये अधिकतम 5 लाख रुपये की सब्सिडी है, सामान्य कृषक हो तो 40% या अधिकतम 4 लाख रुपये। अगर कोई FPO या कृषक स्वयं समूह या महिला सहायता समूह अगर इसको लेना चाहिए तो इसमें 75% सब्सिडी है या अधिकतम 7.5 लाख रुपए की अनुदान देगी। आमजन को अधिक से अधिक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शिविर में मौजूद अधिकारियों ने उपस्थित किसानों, लाभार्थियों और आमजन को योजनाओं को लेकर जागरूक किया। ये बहुत ही अच्छा है आज के इस तकनीकी युग में, क्योंकि पहले यूरिया देते थे तो उसको हर जगह पहुंच नहीं पाता था फसल में, और ये आसानी से ड्रोन की सहायता से हर पेड़ में और बड़ी फसलों में बहुत उपयोगकारी है,
और आसानी से एक बहुत अच्छी तकनीकी है इसकी। ऐसी तकनीकों को काम में लेके अपने जो किसान अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकता है इससे अच्छी, और किराए में देके अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है, तो ये बहुत लाभदायक है किसानों फसलों के लिए। सब्सिडी से मंत्री तो बहुत अच्छे अच्छे और मतलब चाहिए काश्तकार में फायदा है हर जगह। किसानों को ड्रोन से नैनो यूरिया का खेत में छिड़काव कर जानकारी दी गई, जिसको लेकर किसान काफी उत्साहित हुए और किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब किसान खेती में नई तकनीकों का उपयोग कर अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए DD News।